Here become part 3 students 2019-2022 session. आप लोगों ने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया. आप करियर के विषय में जानना चाहते हैं. यस, जानना भी चाहिए. तो हम एक एक करके अलग अलग करियर एक वीडियो में. ठीक, आज नेट जेआरए. नेट मतलब हो गया नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और जेआरएफ हो गया जूनियर रिसर्च फेलो. इसका लाभ क्या है, क्या जॉब मिलेगा, क्या नौकरी होगी. तो अगर आपको पढ़ने पढ़ाने में शौक है, आप लेक्चरर बनना चाहते हैं, ठीक, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, ठीक, तो नेट जेआरएफ एक ऐसा करियर है जो आपको काफी आगे तक ले जाएगा. ठीक, गवर्नमेंट के जितने यूनिवर्सिटीज में वो नेट जेआरएफ जो लोग क्वालिफाइड करता है उनके साथ में ये चांसेस उनको मिलते हैं. कैसे किया जाएगा, हम जेआरएफ के विषय में भी अभी बताएंगे. जूनियर रिसर्च फेलो, सबसे पहले आपको इनकम करना होगा. तो आप ऐसा सोच के देखिए, इनकम में तुरंत अभी आप एडमिशन ले लें, रिजल्ट के तुरंत बाद कहीं से भी आप ले सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटीज में, है ना. उसके बाद नेट की तैयारी कीजिए. नेट जेआरएफ एक साथ होता है, ये दोनों में फर्क क्या है. अगर आप नेट केवल क्वालिफाई करते हैं, ठीक, तो आपको जूनियर रिसर्च फेलो के लिए आपको मौका नहीं मिल पाएगा. अब अगर आप नेट के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं, रिसर्च फेलो के हिसाब से सरकार एक मोटा पैसा पर मंथ देती है रिसर्च पर्पस से. आप बोलेंगे क्या कॉमर्स वाले को मिलेगा, आर्ट्स वाले को मिलेगा, साइंस वाले को मिलेगा, सबको मिलेगा सर. ठीक, अब तैयारी कैसे करेंगे. ठीक है, तैयारी करने के लिए साथ साथ में, यानी एमकॉम भी कर रहे हैं साथ में नेट जेआरएफ की भी तैयारी कर रहे हैं, किसी कोचिंग किसी ट्यूशन की जरूरत नहीं है. करेक्ट, यूट्यूब है. ठीक है, आपके पास नेट का कनेक्शन है, काफी है. अपने अपने से हो जाएगा. हम बोले हां, आपको सिर्फ गाइडेंस की जरूरत है और दिल में आग होना चाहिए. आप बोलेंगे कैसे किए हैं लोग, तो सीनियर में अपने हमारे बैच के जो सीनियर बच्चे हैं उन लोगों में एक लोग मिथिला यूनिवर्सिटी में है, ठीक, एक बिहार यूनिवर्सिटी में है, एक इग्नू में है, ठीक, और एक का भी तुरंत पता नहीं चला है, पर सी इज गोइंग टू बी एम्प्लॉयड. अगर आपको जेआरएफ का चांस मिलता है तो जेआरएफ में आपको सर्टेन अमाउंट पर मंथ एज ए रिसर्च फेलो मिलता जाता है. तैयारी कैसे करेंगे, बेसिकली ये 11, 12 बिकम पार्ट 1, 2 और 3 के थ्योरी पर बेस करता है. एक कोई प्रैक्टिकल नॉलेज की विशेष जरूरत नहीं है, थ्योरेटिकल नॉलेज की जरूरत है, ये क्वालिफाइंग मार्क्स की जरूरत होती है. ठीक है, तैयारी कैसे करेंगे, कौन गाइड करेगा, तो गाइड करने के लिए यह शख्स है, या जो लोग ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है उनका नंबर मेरे पास है, उनके साथ आपको हम परिचय करा देंगे, है, उनके वीडियोस भी उपलब्ध हैं. ठीक है, तो इसके माध्यम से आप खुद से कर सकते हैं. आप चाहे किसी गांव में हैं या छोटे से शहर में भी आप हैं, तो नेट जेआरएफ की तैयारी घर से हो सकती है. यूट्यूब सफिशियंट है उसके लिए. ठीक है, इस वजह से हम बोलेंगे अगर पढ़ने पढ़ाने का आपका शौक है तो आप निश्चित रूप से नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए प्रयास शुरू कर दीजिए. ठीक है, किताबों की जरूरत नहीं पड़ेगी. लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस नेट जेआरएफ काफी होगा. सपोर्ट के लिए एनसीईआरटी, बाद बाकी आप कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कीजिए, क्वेश्चन पूछिए, तो हम नेट जेआरएफ के विषय में आपको डिटेल जानकारी हम देंगे और भी जो आपको जरूरत की होगी. देख, कौन कर सकता है, तो कोई भी जो एमकॉम कर चुका हो. तो क्या अभी से तैयारी करना बेहतर है, हम बोले हां, आप अभी से तैयारी कर सकते हैं क्योंकि आपके पास समय होगा.
एमकम का उतना प्रेशर नहीं होता है भाई, एमकम के लिए भी आपको हम गाइड कर देंगे कैसे एमकम बिना कोचिंग के बिना ट्यूशन के आप कर सकते हैं खुद से, है ना। केवल आपको कमेंट बॉक्स में जाके आपको कमेंट करना होगा, हम जवाब देंगे, ठीक है। अगली बार जो आपको हम बताएंगे बैंकिंग सेक्टर नेक्स्ट वीडियो में, निश्चित रूप से आप हमको कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए कि कैसा क्या इस टाइप के वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है, उसी हिसाब से हम आपको फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।